हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम आए इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में करजत में। एक्चुअली अपने फ्रेंड का बर्थडे था तो एक लास्ट मोमेंट डिसीजन था यहाँ पे आने का, और यहाँ पे आने के एक दिन पहले हमने इंस्टॉल किया था स्मॉल वाइजर हमारे बाइक पे, जो हमें आया था बेनेडोस की तरफ से। तो वो सिटी पर्पज़ के लिए है, टूरिंग पर्पज़ के लिए वो लॉन्ग वाला ही रहेगा, जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे बताया कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, वो अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन पर्पज़फुल है। जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो विंड बफेटिंग बहुत ही अच्छी होती है, तो नॉर्मली आपको पूरा विंड अपने चेस्ट एरिया में लग जाता है, लेकिन उस लॉन्ग वाइजर को लगाने के बाद पूरा विंड अपर शोल्डर पे ही लग रहा था, तो उससे विंड बफेटिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी। और लॉन्ग टूर के दौरान हम थोड़ा कम टायर्ड हुए उसकी वजह से। तो आई वुड से दैट इज़ वेरी यूज़फुल, अगर आप लगाना चाहो तो मैंने लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लगा सकते हो। तो अभी तो हमने लगाया एक शॉर्ट वाइज़र, तो उसका व्लॉग में ठीक से शूट नहीं कर पाया था घर पे, लेकिन उसका थोड़ा सा अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन का तो नहीं शूट किया है, बिफोर आफ्टर इसे शूट किया है। तो पहले आप उसका अनबॉक्सिंग देख लीजिए, फिर हम चलते हैं बाइक की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि अभी बाइक कैसी दिख रही है। तो चलिए एक बार छोटा सा अनबॉक्सिंग देख लीजिए। तो आई होप आपको छोटा सा अनबॉक्सिंग अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं बाइक की तरफ और देखते हैं बाइक अभी कैसे दिख रही है। चलो, हमारा छोटा वाइजर जो हमने इंस्टॉल किया है बाइक पे, जो हमें भेजा गया है बेनेडोस की तरफ से। अगर आपको पसंद आता है तो मैं दोनों भी लिंक्स दे दूंगा, बेनेडोस और अमेज़न का, जहाँ पे भी अवेलेबल हो आप ले सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो मुझे बता देना आपको ये छोटा वाइजर कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो वो अच्छा दिख रहा है, सिटी पर्पज़ के लिए ठीक है, लेकिन अगेन लॉन्ग टूरिंग के लिए हमारा वो लॉन्ग वाइजर वही यूज़ करेंगे हम। तो डू मेंशन इन द कमेंट्स आपके क्या विचार है इस बाइक के बारे में, टोटल मॉडिफिकेशन। बहुत लोगों ने पॉजिटिव कमेंट दिए हैं मुझे बाइक के मॉडिफिकेशन के ऊपर, मॉडिफिकेशन नहीं कहूँगा, एक्सेसरीज अपग्रेड से मोस्टली। तो जी, अगर आपको लगता है कि मैंने सारे करेक्ट एक्सेसरीज लगाए हैं या कुछ आपको पसंद नहीं आया होगा तो कमेंट्स में मैंशन करके बता देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम अच्छे नंबर से ग्रो कर रहे हैं। हमारे चैनल को हेल्प करो ग्रो करने के लिए, हम ट्रैवल वीडियोज़ भी लाते हैं और आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो हाँ, लेट मी नो अबाउट द बाइक एंड अबाउट द चैनल। तो एक बार फिर से देख लीजिए बाइक कैसे दिखती है बिफोर यू वाइंड अप द व्लॉग। डू लेट मी नो आपको क्या लगता है बाइक कैसे दिख रही है। ऊपर से सन आ रहा है सामने की तरफ से, इसलिए थोड़ा व्लॉग कट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक से व्लॉग नहीं कर पा रहा और यहाँ पे कोई शेड भी नहीं है। तो प्लीज़ बताइए मुझे आपको कैसा लगा। और यहाँ का मैं एक व्लॉग भी अपलोड करने वाला हूँ, यहाँ पे आने का, यहाँ पे स्टे का, और यहाँ फार्म हाउस एक छोटा सा टूर दिया है। तो अगर आप करजत एक्सेट्रा के आसपास आते हो या आपको कोई फार्म हाउस रेंट करना है तो उसके डिटेल्स आपको वो वाले व्लॉग में मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमने फ्रेंड ने ली है, जी हाँ, TVS रेडर है, बहुत ही अच्छी बाइक है। अगर आपको इस बाइक का छोटा सा रिव्यू चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, इसका भी एक छोटा सा व्लॉग मैं लेके आऊँगा आपके लिए। इसके अलावा हम एक BMW 310R का एक छोटा सा रिव्यू लाने वाले हैं, और अगर हमें पॉसिबल होता है तो GS का भी लाएंगे। 310 GS जो है हमारे रिलेटिव ने ली है, लेकिन वो पुणे में बेस्ड है, तो अगर बाइक यहाँ पर अवेलेबल होगी मुंबई में तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा व्लॉग, वरना अगर ट्रैवल करता हूँ थोड़े दिनों में तो वहाँ पर जाकर मैं शूट कर लूँगा। तो दैट्स इट, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट व्लॉग, हमारे छोटे वाइजर के लिए छोटा व्लॉग। तो डू लेट मी नो आपको वाइजर कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे आपको वाइजर कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को एंड हेल्प अस ग्रो। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।